मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बेरोजगार हो गए हैं। राहुल और तेजस्वी बेरोजगार होने के कारण पूरे देश में घूम रहे हैं। नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उनको गड़बड़ी होने का अंदेशा था। देखिए, किसानों का समस्त बिहार भारत में तो बंद नहीं है, वो सिर्फ पंजाब की बात आ रही है विशेष करके। और भारत के प्रधानमंत्री किसानों के लिए बहुत सा काम किए हैं, कर भी रहे हैं और निगोशिएशन चल रहे हैं, उनके मंत्रीगण और किसान लोगों में बात हो रही है। हम समझते हैं कि ये आंदोलन बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, कहीं न कहीं एक सेटलमेंट पर लोग आएंगे। और ये बात सही है कि ये भारत सरकार के लोग और खासकर नरेंद्र मोदी जी किसान के प्रति बहुत प्रतिबद्ध हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो ऐसा जरूर कदम उठाएंगे। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी भी शामिल हुए हैं कि वो लोग तो एनडी नाम करके एक विरोधी गठबंधन बनाने का काम किया था महागठबंधन के रूप में। तो जिस दिन पटना में बैठक हुई थी, नीतीश कुमार भी बहुत आगे पीछे हो रहे थे, उसका एक सदारत कर रहे थे। हम शुरू में ही कहा था कि इन लोगों का जो मिशन है वो गड़बड़ है। इन लोगों का मिशन ये नहीं था कि हाँ बेरोजगारी दूर हो जाए। इन लोगों का ये मिशन नहीं था कि हमारा चंद्रयान जो गया है चंद्रमा पर वो सफल हुआ है उसके बारे में कुछ बात करें, या ये नहीं था कि भारत की इकोनॉमी थर्ड इकोनॉमी हो रही है संसार में, इसके बारे में इनकी चिंता नहीं थी। इनकी चिंता सिर्फ थी कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। उसी दिन हमको ऐसा लगा कि इन लोगों का जो सिद्धांत है, उद्देश्य है, वो ठीक नहीं है, इसलिए लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। और आज वही हुआ, नीतीश कुमार तो खुद एनडीए में चले आए, उधर ममता जी का भी वही कुछ कहना है और केजरीवाल साहब अलग कुछ बात बोल रहे हैं। अब तेजस्वी जी बेचारे बेरोजगार हो गए, तो अब राहुल जी के साथ ना जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। सर खेला महिलाओं पर हिंसा पर देखिए, नदी में या नहर में पानी चलता है और जब बंद होता है उसके बावजूद भी कुछ पानी चलते रहता है। आप देखते होंगे कि नीतीश कुमार भी बोल रहे थे कि भाई हम किसी भी परिस्थिति में 2005 के पहले की स्थिति नहीं आने देंगे। मतलब कि उनके दिल में एक कसक थी कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, चोरी डकैती हो रही है, करप्शन है, तो अपने उबे हुए थे। और इसीलिए देराज के हित में उन्होंने इस बार पाला बदला है। तो हम समझते हैं वही है, रिजिडुअल पानी है वो आ रहा है, आप देखिएगा थोड़ा दिन में वो भी स्टॉप हो जाएगा। सर बिहार में खेला होगा सर ये लोग, अब तो वैसे पहलवान के रूप में बोल रहे हैं कि एक बार पहलवान जब ये में अखाड़ा में चित हो जाता है तो बाद में कहता है कि अबरी पटक देंगे। तो यही तर्ज में वैसा बोल रहे हैं, वैसी कोई बात है नहीं। एनडीए एकदम सशक्त है और नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि अब हो गया, अब हम इस गठबंधन को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। ये बार बार वो कह रहे हैं, हर लोगों से मिलते हैं तो कह रहे हैं, तो उनके बात पर विश्वास किया जाना चाहिए। क्योंकि पहले हम लोग भी कहते थे, हम पर गुस्सा करते थे, लेकिन हम कहते थे कि सर ये क्या हो रहा है। हम विधानसभा में ने कहा कि आज करीब करीब 5-6 लाख-7 लाख एकड़ जमीन परमाना में बटी है, चाहे भूमि हजबंदी का हो, चाहे भूदान का हो, चाहे बिहार सरकार की जमीन हो, वो जमीन का 70% जमीन का कब्जा किसी दूसरे का हो गया है। और वो दूसरे का कब्जा क्या हुआ है, जो राजद से संबंध लोग हैं उन्हीं का कब्जा हुआ है। तो ये सारी बात कहते थे, नहीं सुनते थे, बाद में मालूम समझ में आया उनको ये ठीक कह रहा है जीतन मांझी, तो देखा गया कि आज उन्होंने महागठबंधन का साथ देने का बात छोड़ दिया और एनडीए का गठबंधन देने के लिए आ गए। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।